जी तो आ चुके हैं हम अपनी टाटा पंच के अंदर और बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है अंदर से चलो ये बारे में बातें होती रहेंगी ये हमने रखी अपनी स्मार्ट की तो जी आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है क्यों एक्साइटिंग से तो कई होने वाला है बट टाटा पंच के क्लस्टर का मैंने रिव्यू कर दिया था इन्फोरटेनमेंट सिस्टम का एक पूरा रिव्यू पड़ा हुआ है अब बारी आती है टाटा पंच के स्टेयरिंग के बारे में कि भाई स्टेयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है स्टेयरिंग में क्या क्या फीचर हैं क्या इसके नेगेटिव हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो टाटा इसमें इम्प्रूव कर सकता था इसके ऊपर पूरी बात होने वाली है तो आज की जो पूरी महंगी बातचीत होने वाली है वो होने वाली है टाटा पंच के स्टेरिंग फीडबैक के ठीक है सो इसी के ऊपर आज का डिस्कशन है आपको बताऊंगा आप मेरा जो वेरिएंट है मैं पहले वो आपको बता देता हूं और उसके बाद इसे स्टेयरिंग के बारे में बात करते हैं तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं देखो जी टाटा पंच का जो मेरा वाला वेरिएंट है इनके हिसाब मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है या फिर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं तो ये टाटा पंच का अकम्प्रिस्ड वेरिएंट है अकम्प्रश डेजल वेरियंट है ये वाला और अकम्प्रेस डेजल में एक चीज़ ऐड हो जाती है वो है ये ये है आपका क्रूज कंट्रोल फीचर ये ऐड हो जाता है और बाकी जो अकम्पलेक्स से नीचे के वेरिएंट है उसमें ये वाला जो क्रू, क्रूज है आपको नहीं मिलेगा ये एरिया वहाँ पे खाली होता है ठीक है तो ये है भाई पूरी स्टेयरिंग की कहानी अगर आपको दिख रहा है तो इस नुमा है डी शेप्ड का है ये ठीक है फ्लैट बॉटम ये वाला एरिया फ्लैट है सो तो इसे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग बोलते हैं और इसके अगर कवर्स आप अमेज़ॉन पर ढूंढेंगे तो वो भी आपको यही लिख के ढूंढना होगा कि फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग कवर आपको चाहिए तब तो आपको इसका कवर मिलेगा तो ये होगी पूरी बातचीत के बारे में सबसे पहले कौन सा बटन क्या करता है इन बटन्स का क्या यूज है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा क्या इसकी मूवमेंट है टेल्ट जाता है टेलीस्कोपिक जाता है ये जो पीछे इंडिकेटर्स दिए हुए दोनों ये किस काम के हैं और आ, अगर मैं एक दो नेगेटिव जो मुझे इसके स्टेयरिंग को को यूज करते हुए लगा है वो मैं आपको इस वीडियो में अभी बता देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी अपनी टाटा की पंच को स्टार्ट फिर आपसे बात करते हैं इन बटन के बारे में सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्या करती है सो यहाँ पर पांच चार बटन आपको दिख रहे होंगे थोड़ी सी चाबी को हम यहाँ रख देते हैं काफी लोग पूछते हैं यार आप चाबी को रख देते हैं ऐसी स्टाइल के रख देते हैं ऐसे स्टाइल के रख देते हैं यार और क्या रीजन है देखो इसमें पांच बटन है प्लस माइनस ये लेफ्ट और ये राइट स्क्रॉलिंग के लिए ये वॉइस कमांड को एक्टिवेट भी करता है कॉल को रिसीव भी करता है ये वॉइस कमांड को डीएक्टिवेट भी कर सकता है और कॉल को कट भी कर सकता है तो पांच बटंस का ये यूज है मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आप अगर प्लस देखेंगे तो सामने ये देखिए आवाज बढ़ने लगी ठीक है आपको दिख रहा होगा इन्फोमेंट सिस्टम में अब मैं इसे नीचे करता हूँ माइनस दबाता हूँ इससे ये आवाज कम हो गई ठीक है अब इसका क्या यूज है अब इन दोनों पे आते हैं तो भाई ये जो है ये दोनों बटन ये लेफ़्ट और राइट स्क्रॉल करने में काम आते हैं आप वो देखिए वहाँ से वहाँ आपको क्या दिखेगा एक सौ चार एक सौ एक एक सौ एट ये हमने दबाया 95 फाइव अब ये इसी तरीके से ये बढ़ाने के काम आएगा का, ये हमने दबाया 98 एट हो गया फिर से दबाया एक सौ एक हो गया फिर से दबाया 104 हो गया ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ ये दबाया एक नाइन्टी हो गया ठीक है तो ये आगे पीछे बढ़ाने बढ़ाने के है, ये को के हैं हैं ये वॉइस को और घटाने का है अब आते इसके बाद यहां पर एक चीज़ जो टाटा ने बहुत अच्छी करी स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए ड्राइवर्स हैं मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है वो ये है कि जो हॉर्न की प्लेसमेंट इन्होंने दी है ना बहुत बहुत सॉलिड दी हुई है मेरा कहने का मतलब क्या है अब आप देखें जैसे मैं हूँ मेरे लिए ये फर्स्ट कार है मैंने चलाना भी इसी से सीखा है और मतलब यूजली जो कार में सेंटर पे हॉन आते थे वो मैं नहीं जानता कैसे यूज़ करना है तो मेरे को क्या होता था मैं स्टेयरिंग करता था ना ऐसे तो मैं अगर स्टेरिंग को ऐसे कंट्रोल कर रहा हूँ क्या के कहते हैं और मान लीजिए स्टेरिंग को बार बार मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे तो ये जो प्लेसमेंट होती है ना आपके थम की वो हमेशा इसके ऊपर ही होगी आप यहाँ से गाड़ी को पकड़ेंगे तो तब भी ईजी रीच है अगर आप इस साइड को ले लो आप लेफ्ट हैंड ये इससे पकड़ रहे हैं तब भी रीच ईजी है क्योंकि एनी हाउ जो आपका ये वाला पार्ट है ना वो इससे टच होगा ही होगा ये देखो बस इतना लाओ और ये हॉर्न बज गया ये देखो ये एक चीज सबसे सबसे इन्होंने अच्छी करी मतलब हो सकता है मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा हूं जो नया ड्राइवर है उसके लिए क्योंकि वो सीखता ही गाड़ी को इनके ये ही यही होल्डर होता है और यहीं पर आपकी हॉर्न की प्लेसमेंट है इनसेट की वो एक स्टेयरिंग को छोड़ के फिर बीच में से पच पच दबा रहा है उससे तो भाई लाख लाख गुना सही है कि इन्होंने यहाँ पर प्लेसमेंट दी है ट्रस्ट में ये बहुत कमेंडेबल जॉब है अगर ये हर गाड़ी में आता है टाटा की तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग क्योंकि जो नए ड्राइवर्स है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा और बहुत इजीली आप हॉर्न बजा लेते हैं मतलब आपको ना चलते हुए एकदम कोई सामने आ रहा है आप कर रहे हो तो आप एक एक हाथ छोड़ के एक हाथ से गाड़ी फिर आप सेंटर में प्रेस कर रहे हो उससे अच्छा आपने यहीं से आप गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो यहीं से आप म्यूजिक माइनस कंट्रोल कर रहे हो यहीं से आप स्क्रॉल कर रहे हो लेफ्ट राइट और यहीं से आप हॉर्न बजा रहे हो तो ये एक चीज इस स्टेयरिंग की जो हॉर्न की माउंट इन्होंने कराया ना जो हॉर्न की प्लेसमेंट है बटन की बिल्कुल परफेक्ट की है और सेंटर से हॉर्न नहीं बसता यार मतलब बहुत ज्यादा ही प्रेस करोगे तब भी मुश्किल ही बसता है तो ये मारुति वालों को दिक्कत होने वाली है जो लोग मारुति की गाड़ी चलाते हैं क्योंकि मारुति में जो बलेनो मेरा भाई चलाता है उसके पास जो हॉर्न की प्लेसमेंट है सेंटर में तो उसको बार बार ना जब भी पंच चलाएगा तो वो एक बार हाथ रख ही देता है अरे अरे हाँ हार, मुझे याद नहीं आया यहाँ पे हॉर्न है ये मारुति वालों के साथ होना है पर अगर आपने इससे पहले टाटा की गाड़ी ही चलाई है और दूसरी बार भी आप टाटा चला रहे हैं तो भाई निश्चिंत चलाओ कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपको यहीं की आदत पड़ेगी और ये बड़ी अच्छी आदत है मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि लोगों ने ये यहाँ पे प्लेस करके दिया हुआ है इट लुक्स ग्रेट वर्क्स ग्रेट फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है जब भी आप हॉर्न हाँ बजाएंगे बहुत ईजीली बच जाता है और गाड़ी से ना आप हाँ हॉर्न के कैमरा टच में होता है आप अगर मान लो ऐसे चला रहे थोड़े प्रो राइडर हो तो यहीं दबा दिया आपने देखो इनसेट की आपको बिल्कुल सेंटर पे जाना पड़ रहा है फिर आप प्रेस कर रहे हो फिर एक हाथ से अपनी स्टेरिंग संभाल रखा है ये बड़ी सही चीज़ इन्होंने दे रखी है एंड आई रियली लाइक इट ऑनेस्टली एज अ न्यू यूजर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है बहुत अच्छी और बहुत जल्दी आदत पड़ गई और जो बार बार सेंटर पर पुश करने की ज़रूरत होती थी वो ये कम कर देता है तो ये हो गया इस साइड के फीचर ठीक है अब मैं आता हूँ इन फीचर्स पे ये बेसिकली क्या है ये टाटा पंच का जो अकम्पलिश वेरिएंट है या उससे ऊपर का वेरिएंट है यानी कि अकम्पलिशल उसमें आपको मिलता है इसकी प्लेसमेंट सबसे पहले हम हाँ अपनी सजावट पूरी कर लेते हैं पहले ठीक है उसमें इसकी प्लेसमेंट मिलती है अब अगर मैं आपसे बताऊँ ये क्या चीज़ है तो मुझे उसके लिए गाड़ी को करना पड़ेगा ऑन मैं आपको फिर समझा पाऊँगा ये क्या चीज़ है एक मिनट रुक जाओ अच्छा वाइब्रेशन भी टेस्ट हो जाएंगे अभी ठीक है क्योंकि हमारी गाड़ी का कुछ स्टार्ट एंड स्टॉप है तो हमने ये दबाया और गाड़ी हो गई स्टार्ट ठीक है गियर से उतार लेते हैं नॉक को ये एसी को कर देते हैं फिलहाल बंद देखो जो लोग कहते हो ना टाटा में बहुत वाइब्रेशन है ये देखो गाड़ी स्टार्ट भी पड़ी है होल्ड पे खड़ी है वैसे ये टिकेगा नहीं यहाँ पे मेरे वन रुपी कॉइन अभी है नहीं वरना मैं आपको दिखाता कितनी मिनिमल uh, वाइब्रेशन है इतना भी हाइप मत बनाओ किसी व्हीकल का अभी इसमें वेट है ये नहीं रुकेगा ऑफकोर्स वैसे स्लोपी भी होता है वीफ पुफी है कोई कॉइन नहीं पड़ा हुआ वरना मैं आपको दिखाता इतनी वाइब्रेशन है नहीं जितना हल्ला इसमें पड़ा है कहीं पर नहीं पड़ा हुआ ठीक है ओके अभी मैं चीज़ टेस्ट नहीं कर सकता बट इतनी कोई वाइब्रेशन नहीं है देख लो यार आपको कोई दिख रही है हल्की फुल्की महसूस यार अगर मैं ऑन हाथ पर रखे हुआ थोड़ी तो थो वाइब्रेशन हर कार में होती है चलो मुद्दे पर वापस आते हैं ये है क्रूज कंट्रोल के स्विच अब इसमें क्रूज कंट्रोल करता क्या है कैसे काम आता है मैंने पहले बता रखा है मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि एम आई टी पी क्या दिखता है जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा आप वो देखिए सामने ना ग्रीन इंडिकेशन आ गया ये आपको दिख रहा है ये वाला जो ग्रीन इंडिकेशन है हाँ ये इसका मतलब है क्रूज एक्टिवेटेड जैसे मैं यहाँ ऑफ करूंगा देखो ऊपर लिखा गया क्रूज ऑफ जैसे ही मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ ये मैंने प्रेस किया वहाँ ग्रीन आ गया और ऊपर लिखा जाता है क्रूज एक्टिवेटेड ये लिखा नहीं आएगा क्रूज़ का निशान है ये लेकिन जब आप ऑफ करोगे तो जरूर क्रूज ऑफ लिखा जाएगा ये देखो आ गया ना तो हमने अभी क्रूज ऑन करा अब मान लो आपकी गाड़ी चौथे गियर में है और आपने चालीस से ऊपर का जो मीटर है वो रख रखा है जैसे आप चालीस ऊपर करेंगे आपको इसको और इसको एक साथ दबा इसके बाद इसको दबाना होता है उससे स्पीड लॉक हो जाती है जैसे मैंने दबा दिया अगर मैं इसको भी इसके साथ दबा दूंगा ना ये अभी तो गाड़ी नहीं चल रही है चलते ही है स्पीड लॉक हो जाएगी क्रूज़ एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आप ब्रेक पैडल पर पैर रखेंगे जैसे ही आपने ब्रेक दबाया उसी वक्त तुरंत क्रूज डीएक्टिवेट हो जाता है और जो है अपने आप वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है और अगर आपको करना है तो आप यहाँ से दबा दीजिए क्रूज़ ऑफ हो जाएगा तो ये क्रूज एक्टिवेशन का है ये क्रूज़ डीएक्टिवेशन का स्विच है जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्रॉस बना हुआ है इसमें बना हुआ है तो यहाँ से क्रूज़ एक्टिवेट होगा यहाँ से क्रूज डीएक्टिवेट होगा क्रूज़ को लॉक करने के लिए मतलब आप मान लो साठ अस्सी की स्पीड में गाड़ी चलाना चाहते हैं क्रूज लॉक करना चाहते हैं आपको पहले ये दबाना है फिर आपको ये दबाना है आपकी गाड़ी क्रूज़ लॉक हो जाएगी अब इन दोनों का क्या यूज़ है देखो भाई इनका यूज है प्लस माइनस का जैसे आपकी गाड़ी लॉक होगी अस्सी पे आप चला रहे हैं आगे पूरी खाली रोड है लंबा हाईवे इससे स्पीड बढ़ेगी और इससे स्पीड घटेगी क्रूज में माइनस मतलब स्पीड घटना प्लस मतलब क्रूज की स्पीड बढ़ाना ये हो गया और दोबारा हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पर पी तो ये हैं इसके कुछ बटन ठीक है ये ही सबसे मुझे यूनिक चीजें लगती जब मैंने नया नई गाड़ी चलानी सीखी है मिले तो पहली गाड़ी ये थी तो मेरे को ना जो हॉर्न की जो थी मुद्दा के बीच में प्रेस करनी वो तो वाली जो आदत बचाई है ना टाटा ने यहाँ पर प्लेस करके और दोनों साइड प्लेस करके वो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी यूज़फुल है ठीक है जो यूज़ कर रहे हैं गाड़ी को वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी समझेंगे जो लेने वाले हैं वो एक बार टेस्ट ड्राइव जाके लेंगे तब उनको महसूस होगा कि हाँ यार बड़ी सही जगह प्लेसमेंट है हॉर्न की ठीक है तो ये हो गए इसके स्विचेस अब मैं बात कर लेता हूँ अगर मैं स्टेरिंग की बात करूँ तो ये क्या दे रखा है भाई ये लाइट का स्विच है जिसको नहीं पता ये देखो यहाँ से ऑन हो जाती है लो बीम हाई बीम हो गई ठीक है ये सब है ये आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग जितना भी आपको करना है ऊपर नीचे थ्री टू वन और ये वाइपर्स का हो गया इसमें ऐसा सच कुछ बताने लायक होता नहीं है ऊपर करोगे तो वाइपर ऑन हो जाएगा जैसे ये देखो मैंने ये ऊपर पुल करा वो देखो सामने से पानी स्टार्ट हो गया और वाइब्रेशन स्टार्ट सॉरी वाइपिंग स्टार्ट।, स्टार्ट।, स्टार्ट हो जाती है ये है नज़ारे इसके यहाँ के और इसको किस स्पीड में सेट करना है वो आपको यहाँ से घुमाना होता है इस पर कर सकते हो इस पर कर सकते हो वो अपनी अकॉर्डिंग की नीड है ये उस हिसाब से काम करेगा ठीक है ये है इन पूरे स्टेयरिंग के बटनस और कंट्रोल अब बात कर लेते हैं स्टेरिंग के फीडबैक की स्टेरिंग के रिस्पॉन्स की ठीक है पहले मैं गाड़ी ऑफ कर लेता हूँ पेट्रोल बहुत महंगी चीज है भैया अगली बार दहीजों मिलेगा ये। कुछ साल मतलब बताओ ना इसके मैं सबसे पहले बड़ा पॉजिटिव बताता हूँ क्योंकि गाड़ी एक माइक्रो स्यूवी है तो जहाँ गाड़ी आपकी साठ से ऊपर गई सत्तर अस्सी पे दो जो स्टेयरिंग होता है ना प्रॉपर स्यूवी वाला जो स्टिफनेस आ जाती है टाइट हो जाता है जो स्टेयरिंग वो आपको इसमें महसूस होने वाला है

चार सौ सैतीस किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है ठीक है? है।, तो है भाई जरा सा मोड़ोगे ना स्टेयरिंग को जरा सा गाड़ी उसमें ही समझ जाती है इतना अच्छा फीडबैक और रिस्पॉन्स है स्टेयरिंग का हल्का सा टन लो गाड़ी पु... मतलब एकदम रिस्पॉन्स करती है ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा मोड़ रहे हो कुछ टायर में फर्क ही नहीं आ रहा थोड़ा सा भी गाड़ी मोड़ो फर्क आ जाएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके फ्रेंड है जिनके पास टाटा की पंच है टाटा की कोई सी भी गाड़ी है स्टेयरिंग रिस्पॉस में कोई कमी नहीं आने की इंस्टेंट काम करता है जरा सा टन लोगे एकदम उड़ जाएगी गाड़ी टर्निंग में वैसे भी टाटा पंच बहुत अच्छी है एकदम गाड़ी में जो स्टेयरिंग है प्रॉपर कैच करता है और जो रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं एक एस यू वी से वो आपको एक स्पीड के बाद मिलने वाला है ये मेरे से लिखवा लो कोई कमी नहीं लेकिन स्टेयरिंग में बहुत अच्छे से टाटा ने उसको माउंट करा है और स्टेयरिंग फीडबैक अगर आप मुझसे दस की रेटिंग में पूछो तो मैं इजिली नाइन दे सकता हूँ एक नंबर मैं सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड के काट रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ एक नंबर परफेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं होता तो देर इज नो पॉइंट कि मैं टेन टेन दे दूं। बट दू मतलब सुपर रिस्पॉन्स सुपर फीडबैक अब तक हर जगह चला ली भाई पहाड़ों में चला ली पहाड़ों में ही चलाई सबसे ज्यादा तो शहर में तो आप चला रहे हैं पहाड़ों में सबसे ज्यादा ये रिस्पॉन्स टेस्ट होता है बिकॉज 30, 30 की स्पीड में गाड़ी चल रही होती है और हर मोड़ पे एक टर्न आता है वहीं पर स्टेयरिंग का पता चल जाता है कि भाई ये कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है और कैसे ये गाड़ी को संभाल रहा है तो भाई आउट ऑफ टेन अगर मैं नाइन दे रहा हूँ तो निश्चिंत रहो स्टेरिंग फीडबैक बहुत तगड़ा मिलने वाला है ठीक है अब इसकी एक नेगेटिव जो मुझे लगता है स्टेयरिंग का है इस गाड़ी में ये मेरा फील है अगेन मैं इसको किसी को नहीं रिलेट करूंगा मुझे लगा तो आई थॉट की मुझे बताना चाहिए वो है यार देखो अभी क्या है आप देखो थोड़े से हैंड स्वेटी है ठीक है तो ये जो ग्रेप है ना जो उन्होंने ये ये दानेदार सा कह लो उसको जो बनाई हुई है कोटिंग ये अभी बहुत अच्छा ग्रिप करेगी ठीक है ये देखो आप आराम से भाई एकदम गाड़ी की पकड़ बनेगी बट भाई हर बार अभी तो गर्मी लग रही है इसलिए हैंड हैंडसेट हो रहा है ठीक है अब आप भाई नॉर्मली हैंड ड्राई होते हैं तो पता नहीं जब भी मैं गाड़ी को यहां से मोड़ रहा होता हूँ ना भाई एकदम हैंड स्लिप करता है इस गाड़ी में अगेन ये मेरा परसेप्शन है मेरे साथ हुआ है ठीक है ये पकड़ा एकदम से ना हाथ स्लिप हो जाता है एकदम अगर आपके हाथ एकदम ड्राई हैं सूखे पड़े हैं बिल्कुल और ये जनरली होता है इसी मौसम में ये जो सर्दियों का मौसम आता है ठीक है तो भाई ये एक चीज है जो जरूर मैंने देखी है कि मेरे साथ हुई है बस यही एक नेगेटिव मुझे इस गाड़ी का लगता है इस स्टेरिंग का लगता है सॉरी कि यार थोड़ा सा ये स्लिपरी हो जाता है जब जितने आपके हैंड ड्राई होते हैं तो थोड़ा मॉइस्चराइज अगर है आपके हैंड ड्राइविंग है ना ग्रिप बड़ी अच्छी बनती है बिकॉज ऑफ दिस कोटिंग अगर ये इतना ही ड्राई है ना बिल्कुल सूखे पड़े हाथ तो पता नहीं क्यों मैंने देखा कितनी बार ना अगर एक दफा आपको कोई टर्न लेना और आप पूरा स्टेयरिंग घुमा रहे हो हाथ पूरा चल रहा है आपका ठीक है तो फिर थोड़ा सा ना ये स्लिप हो जाता है ये देखो यहाँ जरा एकदम स्लिप हो जाएगा पता भी नहीं चलने का ये रहता है ना वो ऐसी बट हाँ यहाँ पे जो गेम है ना यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी हो जाता है एक स्टेज के बाद बाकी एज सच इसका कोई नेगेटिव नहीं है रिस्पॉन्स में टेन बाय नाइन आपको बता दिए फीचर्स मैंने आपको बता दी ये सब है और इसमें हाँ जो मूवमेंट है वो सिर्फ टल्ट की है कह गई अरे बाबा हाँ ये रहा। दिखा यहाँ पर वो नॉब दिया होता है ये रहा। इसको नीचे कर दो तो गाड़ी का जो ये है ये स्टेरिंग नीचे हो गया और यहीं पे लॉक कर दो वापस ऊपर करना मैं क्योंकि फुल ऊपर रखता हूँ ऊपर करके आपसे हम आप लॉक कर देते हैं ये लो हो गया लॉक तो इसमें सिर्फ टिल्ट मूवमेंट है टेलीस्कोपिक मूवमेंट नहीं मिलेगी आपको तो ये था भाई मेरा ओवरऑल रिस्पांस ओवरऑल फीचर्स और फीचरिंग का क्या हाल चाल है मैंने such, uh, कोई आपको बताया हाँ इमरजेंसी के टाइम पे एक दिन सिचुएशन हुई थी कि मैं एकदम से था गाड़ी के सामने डॉग आ गया था डॉग भागता हुआ रोड के सामने आया था और उस टाइम मैंने ना यकीन मानो गाड़ी भी बहुत तेज स्पीड में नहीं थी चालीस पचास में थी बट एकदम कोई सामने आ जाए तो भाई बीस भी बहुत है एकदम मैंने स्टेरिंग को टर्न करा और यकीन मानो इतना अच्छा कंट्रोल बनाना गाड़ी में मतलब क्या बताऊं एक फुल मजा उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये जो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स था ना बहुत लाजवाब था वरना वो डॉक का एक्सीडेंट होता और साथ में शायद मेरा भी अच्छा खासा उस दिन लगती गाड़ी में तो ये चीज़ें होती रहती हैं कॉमन है, है रोड्स पे आप जा रहे हो एकदम कोई बच्चा भाग के आ गया या कोई डॉग सामने आ गया कोई भी चीज़ सामने आ गई जानवर आ गया इंसान आ गया तो फिर उस टाइम भी ना ये स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स एकदम उसी टाइम पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना स्टेबल हो पा रही है एकदम के झटके में तो भाई इसके लिए मैं इसीलिए मैंने दस में से नौ नंबर दिए हैं ऐसी नहीं दिया कि खाली यहाँ बातें करने के लिए वीडियो बनाने के लिए चीज़ें हुई हैं एक्सीडेंट भी हो गया तो मतलब एक्सीडेंट क्या इधर उधर खरोज अरोज गाड़ी में आ ही जाती है वो सब भी हो चुके हैं तो हमने ये सब चीजें झेल ली है तो अब पता है कि भाई कितना ये कैसा परफॉर्म कर दिया सो यही थी आज की वीडियो सिर्फ स्टेरिंग के ऊपर मैं बनाना चाह रहा था थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ स्टे ट्यून सब्सक्राइब एंड शेयर जय हिंद